अम्मा तुम मेरे दिल का हर कब समझोगी। परी की माँ भी तो है, बगैर कहे परी के दिल के जज्बात समझ जाती। और तुम कभी मुझे जान नहीं पाई, बस हर वक्त सबर का ही नाम लेती रहती। क्यों करती है मेरे साथ ऐसे अम्मा? तुम नहीं समझोगी लड़की, कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम जैसे कम हिम्मत और बेसब्रे लोग कभी भी सबर और शुक्र की फजीलत को नहीं जान सकते। अगर तुम सबर करती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। अम्मा क्या अभी भी खफा हूं मुझसे? अम्मा मैं तुमसे बात कर रही हूं, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूं और वो भी इकलौती बेटी। मुझसे ज्यादा अहमियत हो ना तुम इस तस्बीह को देती हो, जिसे हाथ में लेकर हर वक्त घुमाती रहती हो। तुम इसकी अहमियत को क्या समझोगी? तुम्हें पता है ये मेरे दुख सुख की साथी है। मैं इस पे अपने अल्लाह के नाम का वर्द करती हूँ और यही वर्द मुझे जन्नत में पहुंचाएगा। और तुम? हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे और तुम्हारी जन्नत के बीच की दीवार हूँ ना, जिसे इस वजीफे से गिराना चाहती हो। बस कर दो, हद में रहो अपनी। तुम्हें जो बकवास करनी ना मुझसे किया करो। खबरदार जो मेरी नमाज कुरान और तस्बीहात को बीच में लेकर आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? अम्मा तुम मेरे दिल का हर कब समझोगी? परी की माँ भी तो है, बगैर कहे परी के दिल के जज्बात समझ जाती। और तुम कभी मुझे जान नहीं पाई, बस हर वक्त सबर का ही नाम लेती रहती। क्यों करती है मेरे साथ ऐसे अम्मा? तुम नहीं समझोगी लड़की, कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम जैसे कम हिम्मत और बेसब्रे लोग कभी भी सबर और शुक्र की फजीलत को नहीं जान सकते। अगर तुम सबर करती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। हाँ हूँ मैं बेसब्री और छोटे दिल की मालिक, लेकिन मैं जैसे भी हूँ बहुत खुश हूँ। अपनी दुनिया में खुद बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। परी के घर जा रही हूं मैं, आते हुए देर हो जाएगी, इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। परी के घर क्यों जा रही हो? परी के घर अभी कल तो गई थी तुम। मैंने कहा ना कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा ना।